हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, अपने जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए हम इस क्वेश्चन पे आए हैं। प्रूव दैट 3 की पावर 2n+7 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है। आई होप कि आपने इससे पहला वाला लेक्चर अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। आपको बात किसकी करनी है, 3 की पावर 2n+7 की, और बताना है ये डिविजिबल किससे, 8 से। मतलब इसको बताना है 8 × सम इंटीजर। तो कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर n+7। तो ये आ गया 9 की पावर n+7। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा तो स्टूडेंट उसमें 1 की पावर n था, तो इधर 1 लाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 को 9 की पावर n को तो एज इट इज रखा, 7 को लिखा -1+8। 8 ही क्योंकि क्योंकि आपको मल्टीपल ऑफ 8 बता रहा है, तो इसमें से मैं 8 ले आऊँगा और 8 उधर भी है। आइए देखते हैं कैसे। इसको लिख दिया 9 की पावर n-1 की पावर n+8, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इधर लगाया फार्मूला x की पावर n-y की पावर n, ये आ गया x-y, और ये कितना आ गया 9 की पावर n-1 + 9 की पावर n-2 + so on + 1 की पावर n-1। ये फार्मूला आ गया, और ये साथ में प्लस 8 लास्ट में वैसे लिख दिया। ये फार्मूला आपको लिखना है जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। तो ये कितना आ गया 8 × 9 की पावर n-1 + so on 1 की पावर n-1 + 8। अब ये पूरा इंटीजर ही है जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो ये आ गया 8k+8, वेयर बताना पड़ता है k क्या है, 9 की पावर n-1 + so on + 1 की पावर n-1 इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है, और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से 8 बाहर निकल गया, कितना बच गया k+1। ठीक है, अगर k इंटीजर है तो k+1 भी क्या होगा, एक अनदर इंटीजर होगा। तो वेयर k′ = k+1 इज एन इंटीजर। अगर k इंटीजर है, इंटीजर के अंदर 1 ऐड करो तो वो नया इंटीजर बनेगा, उसको मैंने k′ मान लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप बोल सकते हो कि 3 की पावर 2n + 7 इज इक्वल टू क्या, 8 × k′। तो इसका मीनिंग क्या है, 3 की पावर 2n + 7 इज डिविजिबल बाय 8। दिस इंप्लाइज 8 / 3 की पावर 2n+7। ये आपको प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जब एक्स और वाई के हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4। आपको प्रूव करना है x² - y² इज डिविजिबल बाय 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका भी प्रूफ। अब थोड़ा मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बोला था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होने लगेंगे। तो इधर बोला है x - y इवन नंबर है, तो हेयर x - y इज एन इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं x - y = 2 × सम इंटीजर, वेयर m इज एन इंटीजर।
अब आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 से डिविजिबल है, तो मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको 4 से डिविजिबल बता रहे हैं। एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो वो आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक्स माइनस वाई ऊपर से वैल्यू डाली आया 2m, और जो एक्स प्लस वाई है ठीक है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, हाँ ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू डाल दी ऊपर से 2m, और ये जो एक्स प्लस वाई है इसको ऐसे ही रहने दिया। अब अगर आपको इसको बताना है कि 4 से डिवाइड होता है तो इधर पूरा 4 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब आपको एक एक 2 आ गया, एक 2 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ट्वाइस एम को मैंने वैसे रखा, इधर x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस 2y, 2y माइनस वाई वाई हो जाएगा, फिर अगेन x माइनस वाई फिर ऊपर से लिया कितना है 2m प्लस 2y, क्योंकि जो x माइनस या इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, और इधर बोल दो फ्रॉम फर्स्ट, इधर भी बोल दो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब इन दोनों से 2 बाहर निकाला तो बाहर के क्या आया 4, साथ में m इंटू एम प्लस वाई। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एक चीज कि x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, x और y क्या है इंटीजर्स हैं, जो लास्ट में आप स्क्रीन में देख रहे हो इधर y है, y इंटीजर है, m भी क्या इंटीजर, ये भी क्या इंटीजर, दो इंटीजर का प्लस क्या होता है इंटीजर, और उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा क्या बनेगा इंटीजर, तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू k, वेयर k इज इक्वल टू m इंटू एम प्लस वाई इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है 4 के, तो दिस इम्प्लाइज जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 4 से, इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी डाउट है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 4x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3, शो दैट, लिख देना शो दैट 4x square plus 7xy minus 2y square is divisible by 9. Show that this is divisible by 9. ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। आपको बोल रहा है ये चीज 3 का मल्टीपल है, अगर ये 3 का मल्टीपल है, हेयर 4x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3, इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो आप इसको लिख सकते हो कि जो 4x माइनस वाई है वो 3 इंटू सम इंटीजर है, मल्टीपल का मतलब होता है 3 की टेल में आना, 3 का टेल मतलब 3 इंटू सम इंटीजर, वेयर k इज एन इंटीजर, और आप इधर से ऐसे लिख सकते हो y इस तरफ आ गया और ये आ गया 4x माइनस 3 के, ये y की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन, तो जो पहली कंडीशन दी थी उससे हमने जो भी निकालना था यही निकलेगा। अब दूसरी कंडीशन बोली है प्रूफ करो कि ये 9 से डिविजिबल है, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, उसके अंदर 9 आना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ क्या दिया आपको 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर, इसके अंदर 9 आना चाहिए, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं,
फोर एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज रहने दिया, सेवन एक्स को भी वैसे रहने दिया, इधर से y की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू डाली, तो y कितना है 4x माइनस 3 के, फिर माइनस 2 को भी एज इट इज रहने दिया, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू डाली, तो वो कितनी है 4x माइनस 3 के का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया, 4x स्क्वायर ये आ गया 28x स्क्वायर, ये आ गया माइनस 21x के, ये माइनस 2, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 24x के, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 28x स्क्वायर कितना आ जाएगा 32x स्क्वायर माइनस 21x के, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 32x स्क्वायर, माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 18k स्क्वायर, माइनस 2 से मल्टीप्लाई प्लस 48x के। अब ये 32 और ये 32 कट गया, ठीक है, 48 में से 21 गए तो कितना आता है 7 और 2 27x के, 48 में से 21 के 27x के माइनस 18k स्क्वायर। अब क्या इन दोनों में से 9 निकलता है, बिल्कुल निकलता है, 9 इंटू 3x के माइनस 2k स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो ना कि ये जो वैल्यू है वो 9 इंटू सम इंटीजर है, 9 इंटू सम इंटीजर, तो दिस इंप्लाइज जो 4x स्क्वायर प्लस 7xy है माइनस 2y स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 9 से, डिविजिबल बाय 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो कि बढ़ चुका है, ठीक है, मगर है इजी है, इतने कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद एक नोट लिखा है बुक में, वो नोट आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी एम एन लिखा हो तो इसका मतलब होता है मल्टीपल ऑफ एन, इसका मतलब होता है मल्टीपल ऑफ एन, मतलब अगर एम एट लिखा है तो इस चीज़ का मतलब है मल्टीपल ऑफ एट, ये चीज़ क्या है मल्टीपल ऑफ एट। अगर एम थ्री लिखा है तो इसका मतलब है जो भी नंबर है वो मल्टीपल किसके है, थ्री का, ठीक है, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव 3 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू m 8, मतलब आपको बताना है कि ये जो चीज़ है वो मल्टीपल ऑफ 8 है, ये है जो, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 8, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये करना बड़ा आसान, आप खुद कर सकते हो, 3 की पावर 2n माइनस 1 ले लिया, इसको लिखा 3 की पावर 2 का n माइनस 1, इसको लिखा 9n माइनस 1, इसको लिखा 9n माइनस 1 की पावर n, इसको वही फार्मूला 9 माइनस 1, और इधर वही जो हम करते हैं 9n माइनस 1 9n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 की पावर n माइनस 1, ये आ गया 8 इंटू सम इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि जो 3 की पावर 2n माइनस 1 है इज डिविजिबल बाय 8, अगर ये डिविजिबल है 8 से तो वही चीज़ 8 से डिविजिबल है जो 8 की टेल में आती है, तो दिस इंप्लाइज 3 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 8। अब कोई चीज़ किसी नंबर से डिवाइड होती है, जैसे 8 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 4 की टेबल में 8 आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 8 की टेबल में ये नंबर आ रहा है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3n माइनस 1
तो ये सिंपल है, ये आपके लिए होमवर्क। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3n माइनस 1 की पावर n, ये आ गया 8 की पावर n माइनस 1 की पावर n, ये आप कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इनके साथ, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। इफ n इज एन ऑड इंटीजर, क्वेश्चन है इफ n इज एन ऑड इंटीजर, अगर n एक ऑड इंटीजर होगा देन n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 होगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ क्या होगा 8 होगा, ये प्रूफ करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रूफ हेयर n इज एन ऑड इंटीजर, n आपका ऑड इंटीजर है, अगर n ऑड इंटीजर है तो इसका मतलब है n को मैं लिख सकता हूँ 2m होता है इवन नंबर, तो इवन नंबर के अंदर एक ऐड कर दिया, अगर n ऑड है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको ये चीज़ निकालनी है ना, हो एन स्क्वेयर माइनस 1 तो वो आ जाएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 4m स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4m माइनस 1, ठीक है 4m स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4m माइनस 1, 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है तो आ जाएगा 4m स्क्वेयर प्लस 4m, 4m स्क्वेयर प्लस 4m, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 4 कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, 4 और m क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा m प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना कॉमन ले लिया। अब देखो इस 4 को बाहर रखो, ये जो 4 है इसको मैंने बाहर रखा, बचा क्या m इंटू एम प्लस 1। अब देखो m इंटीजर है और m प्लस 1 उसके आगे वाला इंटीजर है, जैसे अगर आप अगर आपने m लिया 3 तो m प्लस 1 क्या होगा 4, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इवन नंबर आएगा, अगर आपने m इंटू एम प्लस 1 लिया, अगर m 4 है और m प्लस 1 क्या आएगा 5, क्योंकि 7 वाला इंटीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा इवन नंबर। तो जब भी एक इंटीजर को उसके 7 वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा इवन नंबर मिलता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 मिलता है। तो रीजन लिखेंगे बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2, 7 वाले इंटीजर को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज गिव्स एन इवन नंबर, ठीक है। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और k कोई इंटीजर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका n स्क्वायर माइनस 1 है वो 8k है, तो इसका मतलब है कि जो 8 है वो n स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ किसी को डिवाइड कर रही है तो वो उसका मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब है n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 8। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट फोर डज नॉट डिवाइड्स या फोर डज नॉट डिवाइड एम स्क्वायर प्लस 2 फॉर एनी इंटीजर एम, किसी भी इंटीजर एम के लिए की जो 4 है वो एम स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है मतलब 4 कभी भी इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, एम कोई भी इंटीजर हो ऑड हो चाहे इवन हो। तो इधर दो केस बनेंगे, तो केस 1 व्हेन एम इज एन इवन इंटीजर,
जब m क्या है, इवन इंटीजर है। अगर m इवन इंटीजर है तो मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 2k। इवन इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं। अब ले लो वैल्यू जिसको हमें प्रूफ करना है। नाउ m स्क्वायर प्लस 2, m डाला तो आया 2k का होल स्क्वायर प्लस 2, और सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स आया 4k स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, 2k स्क्वायर प्लस 1। अब इस 2 को वैसे रखा, अगर इस नंबर को 4 से डिवाइड होना चाहिए, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होता तो बार 4 आता, मगर बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मैं अंदर से 2 कॉमन ले ही नहीं सकता। और मेरे को एक चीज़ और बताओ, जैसे अगर आपके पास k कोई भी इंटीजर है उसका स्केयर करो, ठीक है, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो इवन नंबर बनेगा। ये इतना सा क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को 1 ऐड करो तो वो ऑड बनेगा। तो बेसिकली ये 2 इंटू ऑड इंटीजर आ रहा है। और जब 2 इंटू ऑड इंटीजर है, आप किसी भी नंबर, कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, 15 ले लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 30। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, 31 ले लो, उसको करो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 62। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। कभी भी कोई भी ऑड इंटीजर लो, उसको 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तो वो कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। वो तो सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर जो m स्क्वायर प्लस 2 है डज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, पहले केस में तो ये डिविजिबल नहीं है। दूसरा केस चलते हैं, केस नंबर 2, व्हेन m इज एन ऑड इंटीजर। जब m ऑड इंटीजर है, जब m ऑड इंटीजर है तो वो ऐसा होगा, 2k प्लस 1 वैल्यू डाल देंगे। नाउ हमें किसको चेक करना है, m स्क्वायर प्लस 2 को। एम स्केयर मतलब 2k प्लस 1 का होल स्केयर प्लस 2, यह आ जाएगा 4k स्केयर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 2। 4k स्केयर प्लस 4k प्लस 2 को एक साथ लिख दिया और प्लस 1 को अलग लिख दिया। इन सब से 2 कॉमन आया तो प्रीवियस बचा 2k स्केयर प्लस 2k प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1। अगर अब आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये एक इंटीजर है तो हमारा आ रहा है 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। 2 इंटू सम इंटीजर क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर प्लस 1 क्या आ रहा है, ऑड नंबर। तो इस केस में m स्क्वायर प्लस 2 ऑड नंबर आ रहा है। अगर कोई ऑड नंबर है, जैसे कोई भी ऑड नंबर है, वो 4 के टेल में आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 के टेल में सबके सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 2, यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर 4 डज नॉट डिवाइड्स m स्क्वायर प्लस 2, 4 m स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि जो 4 है वो m स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड नहीं कर रहा। आप m कोई भी इंटीजर ले लो, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस पे मतलब अच्छे से पकड़ बनानी है, और ये क्वेश्चंस ऐसे ही हो सकते हैं जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। आई होप आपको इतने क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।